हम इस वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विज्ञान के इस विषय के कई औद्योगिक प्रयोग हैं, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इस विषय में हम देखेंगे कि विद्युत प्रवाह क्या होता है, तरल पदार्थ में बिजली का प्रवाह कैसे होता है, हम देखेंगे कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं और उनमें क्या अंतर होता है, विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव, और हम देखेंगे कि इस विषय का एक महत्वपूर्ण उपयोग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो चलिए देखते हैं विद्युत प्रवाह यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। विद्युत प्रवाह एक सर्किट में विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रवाह होता है। विद्युत का आवेश नकारात्मक नेगेटिव या सकारात्मक पॉजिटिव हो सकता है। ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज के उदाहरण होते हैं इलेक्ट्रॉन और एनायन जो होते हैं नकारात्मक रूप से आवेशित आयन। धनात्मक आवेश के उदाहरण होते हैं कैटायन जो धनात्मक आवेशित आयन होते हैं। अब हम देखेंगे कि तरल पदार्थों में बिजली का प्रवाह कैसे होता है। धातुओं के विपरीत तरल पदार्थों में आत्म तौर पर बिजली के प्रवाह के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तरल पदार्थों में विद्युत चालन आवेशित कैटायन और एनायन के संचालन से होता है। कुछ तरल में बड़ी मात्रा में आयन होते हैं इसलिए वे बेहतर संचालन करते हैं और उन्हें बिजली का अच्छा कंडक्टर कहा जाता है। अपेक्षाकृत कम आयनों वाले तरल पदार्थ को बुरा कंडक्टर या इंसुलेटर कहा जाता है। चलिए देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर विद्युत प्रवाह के प्रवाहकत्व के लिए अधिक मात्रा में आवेशित आयनों वाले तरल पदार्थ को कंडक्टर कहा जाता है। उदाहरण जैसे चूने का पानी, नमक का घोल, अम्ल और क्षार यानी एसिड और बेस। इंसुलेटर विद्युत प्रवाह के प्रवाहकत्व के लिए आवेशित आयनों की नगण्य मात्रा वाले तरल पदार्थ को इंसुलेटर कहा जाता है। उदाहरण आसुत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर और वनस्पति तेल आदि। चलिए देखते हैं विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं। एक प्रवाह की घोल के माध्यम से विद्युत प्रवाह का पारित होना रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। नतीजन इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के जमाव देखा जा सकता है। घोल के रंग में भी परिवर्तन दिख सकता है। यह सब प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि किस घोल और इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड वह कंडक्टर होते हैं जिसके माध्यम से बिजली तरल पदार्थ में प्रवेश करती है या उसे छोड़ती है। अब हम पढ़ेंगे पानी के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जो विद्युत प्रवाह के रासायनिक प्रभाव का एक उदाहरण है। इसके लिए हमें बीकर में थोड़ा पानी चाहिए होगा और दो टेस्ट ट्यूब। हमें दो टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके इस बीकर में डालना होगा और इस टेस्ट ट्यूब में इलेक्ट्रोड डालकर बैटरी से कनेक्ट करना होगा। हमें पानी में थोड़ा सा एसिड डालना होगा ताकि पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर बन जाए। पानी के माध्यम से बिजली पारित करने पर O2 के गैस के बुलबुले सकारात्मक इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होंगे जबकि हाइड्रोजन गैस के नकारात्मक इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होंगे। इस तरह हमने पानी के द्वारा ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस प्राप्त किए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम पानी को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। बिजली के माध्यम से किसी अन्य धातु पर किसी भी वांछित धातु की एक परत जमा करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया है। यह एक अलग धातु की पतली परत के साथ धातु की वस्तुओं को कोटिंग के लिए उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। जमे धातु की परत में कुछ वांछित संपत्ति होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की धातु का अभाव होता है। आभूषण निर्माता कम महंगी धातुओं पर चांदी और सोने को चढ़ाते हैं। इन आभूषणों में चांदी या सोने की उपस्थिति होती है लेकिन बहुत कम महंगे होते हैं। ये टिन के डब्बे भोजन के भंडारण के लिए उपयोग किए जाते हैं। लोहे पर टिन को विद्युत द्वारा बनाया जाता है। लोहे की तुलना में टिन कम प्रतिक्रियाशाली होता है।
इस प्रकार भोजन लोहे के संपर्क में नहीं आता है और खराब होने से बच जाता है। अब हम पढ़ेंगे तांबे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में। जब विद्युत धारा को कॉपर सल्फेट के घोल से गुजारा जाता है तो कॉपर सल्फेट टूट जाता है तांबा और सल्फेट में। निःशुल्क तांबा बैटरी के नकारात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड के लिए तैयार हो जाता है और उस पे जम जाता है। अन्य इलेक्ट्रोड से तांबे की बराबर मात्रा में घोल में घुल जाता है। इस प्रकार घोल से तांबे का नुकसान बहाल हो जाता है और प्रक्रिया जारी रहती है। चलिए एक बार संक्षेप में देखते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा है। विद्युत धारा एक सर्किट में विद्युत आवेश का प्रभाव है। कुछ तरल पदार्थ बिजली के अच्छे चालक होते हैं और कुछ खराब चालक या कंडक्टर होते हैं। अधिकांश तरल पदार्थ जो बिजली का संचालन करते हैं वह एसिड, आधार और लवण के घोल होते हैं। एक संवाहक तरल के माध्यम से विद्युत प्रवाह का पारित होना रासायनिक प्रतिक्रियाओं का कारण बनता है। परिणामी प्रभावों को धाराओं का रासायनिक प्रभाव कहा जाता है। बिजली के माध्यम से किसी अन्य सामग्री पर किसी भी वांछित धातु की परत जमा करने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। इस वीडियो के द्वारा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।